सिराज चैनल पेश खिदमत है मोहम्मद अलवी की एक गजल और उनकी शायरी पर कुछ गुफ्तगू। हमारे जमाने के बड़े नक्कादों में अपनी अजमत को बहसियत नक्काद मनवाने वाले शम्सुर रहमान फारूकी को जब जदीद शायरी की नुमाइंदगी के लिए चंद नामों का ख्याल आता है तो आप सबसे पहले मोहम्मद अलवी को जहन में लाते हैं कि हमारी ज़िंदगी का उनसे ज़्यादा मुकम्मल और मतनू इजहार किसी और से नहीं हो सकता है। इस तरह नई शायरी को तजर्बाती गैर रस्मी नए अल्फाज की तलाश में सरगर्दा और रवायती शायरी और उसलूब से गुरेजा उसलूब के भी तमाम रंग उनके यहाँ इस तरह गलता व पेशा हैं कि इस पहलू से ही उनका कलाम नुमाइंदगी का दर्जा रखता है। मैंने खुद भी अलवी साहब की जितनी भी शायरी उनमें नज़में हों या गज़लें देखी हैं वो रवां और सहल होने के बावजूद जहाँ गैर मामूली हसासियत रखती हैं और जिस तरह उसलूब पेचीदगी को समेटती हैं वो पेचीदगी जो आज के अदब से लगाव रखने वाले दौर जदीद के इंसान के लिए पसंदीदा उसलूब है। आज के इंसान के लिए रात दिन जैसी हो गई है, अब रात सोचने के लिए नहीं बस रात का कुछ हिस्सा गुलगपाड़ा लागर जिस्म को थकान मिटाने के लिए रह गया है। अब दिन की तरह की रात है उसका कुछ हिस्सा है या वह मुश्किल जो उसके लिए बचता है तो बस धड़म से बिस्तर पर गिर जाने का नाम है, लागर जिस्म के लिए तकवियत हासिल करने का नाम है। वो चांदनी जो समंदर के पानी को उठा देती है अब इंसान के लिए वो कशिश नहीं रखती कि चांद उसके लिए सागर बन जाए। रात के इस मंजर को मुनफरिद उसलूब बयान के जरिए मोहम्मद अलवी ने दर्ज ज़ेल गज़ल में बज़ाहिर सहल मगर हल्के फुलके पेचीदा उसलूब में किस कदर खूबसूरती से खींचा है, आप भी इस हल्की फुलकी पेचीदगी से महजूज हों। गज़ल सोचते रहते हैं अक्सर रात में, मोहम्मद अलवी। सोचते रहते हैं अक्सर रात में, सोचते रहते हैं अक्सर रात में, डूब क्यों जाते हैं मंजर रात में। किसने लहराई हैं जुल्फें दूर तक, किसने लहराई हैं जुल्फें दूर तक, कौन फिरता है खुले सर रात में। चांदनी पीकर बहक जाती है रात, चांदनी पीकर बहक जाती है रात, चांद बन जाता है सागर रात में। चूम लेते हैं किनारों की हदें, चूम लेते हैं किनारों की हदें, झूम उठते हैं समंदर रात में। खिड़कियों से झांकती है रोशनी, खिड़कियों से झांकती है रोशनी, बत्तियां जलती हैं घर घर रात में। रात का हम पर बड़ा एहसान है, रात का हम पर बड़ा एहसान है, रोलिया करते हैं खुलकर रात में। दिल का पहलू में गुमा होता नहीं, दिल का पहलू में गुमा होता नहीं, आग बन जाती है पत्थर रात में। अलवी साहब वक्त है आराम का, अलवी साहब वक्त है आराम का, सो रहो सब कुछ भुलाकर रात में, सो रहो सब कुछ भुलाकर रात में। शायर मोहम्मद अलवी, आवाज़ बयान सिराजुद्दीन। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके। शुक्रिया।